जब हुक्मरान बनोगे, जब एम पी एम एल ए बनोगे, जब मुख्यमंत्री बनोगे, तब बन जाना भाई। फिलहाल जिस दौर में मुल्क गुजर रहा है उस दौर में फूले अम्बेडकर आंदोलन को, बाबा साहब का जो विचार है उसको बचा लो और अपने आने वाली नस्लों को बचा लो, अन्यथा वर्तमान समय में जो सरकार रूल कर रही है वो कुचल देगी, किसी को छोड़ेगी। बड़े नेताओं का पीछा और उनसे उम्मीदें दोनों छोड़ दीजिए, वो अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने में मस्त है, उनको समाज से कोई लेना। व्यक्तिगत जीवन में आदमी जो भी करता है जब तक वो जीवित रहता है और उस अपने जीवन काल में कोई भी व्यक्ति जो भी करता है उसके परिवार के लोग, उसके समाज के लोग, अगर वो परिवार के लिए करता है तो परिवार के लोग, अपने बेटा बेटियों के लिए करता है तो बेटा बेटी, और समाज के लिए करता है तो समाज के लोग, देश के लिए करता है तो देश के लोग, और अगर पूरी मानवता के लिए करता है तो पूरे मानव जगत के लोग उसको उसके परिनिर्वाण दिवस पर याद करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज हमारे बीच नहीं है, उनको तमाम मुल्क ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की, पूरे धरा के जो समतावादी, मानवतावादी, अम्बेडकरवादी लोग हैं, बुद्धवादी, कबीरवादी, नानकवादी लोग हैं, वो आज बाबा साहब हमारे बीच नहीं है, उनको याद कर रहे हैं विश्व भर में, और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते थे उन पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि बाबा साहब आज के दिन हमारे बीच नहीं रहते, 6 दिसंबर 1956 को वो बता करके गए थे मेरे जाने के बाद आपको क्या करना है। तो बाबा साहब नहीं हैं ये दुखद है, लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि जो इंसान आया है उस इंसान को जाना है। तो बाबा साहब नहीं हैं, वो चले गए, छोटी उमर में चले गए, कम उम्र में चले गए, 65 साल की उम्र में, 10-20 साल और रहते तो शायद और चीज़ें बेहतर हो जाती, लेकिन वो अपने एक जीवन काल में जो भी कर पाए वो उतना कर पाए कि शायद लोग 100 जीवन में नहीं कर पाएँ। और उन्हीं की कोटेशन है कि इंसान का जीवन लंबा नहीं अपितु महान होना चाहिए, उसका कोई एक तरीके से जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्यहीन नहीं होना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर जितना मैंने पढ़ा है उससे मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मुल्क भर के तमाम अम्बेडकर वादियों को आज के दिन संकल्प लेना चाहिए 6 दिसंबर को कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज के दिन हमारे बीच नहीं रहते। हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब का जो अधूरा कारवां रह गया था भारत को बौद्ध में करना है। देश के अंदर समता, बंधुता, मैत्री, करुणा, भाईचारा होना चाहिए। आपके जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को जो अम्बेडकरवादी है उसको इस दिशा में कार्यरत रहना चाहिए और ये उसकी कार्य क्षमता में आता है। इस वक्त हम उसी जगह पर खड़े जहाँ पर बाबा साहब ने अंतिम सांसें ली थी, मगर यहाँ पर कुछ उन लोगों की संख्या कम नज़र आ रही है जिन लोगों के हितों के लिए बाबा साहब ने अपना जीवन समर्पण कर दिया। देखिए, आप कह रहे हैं कि संख्या कम है। पहली बात तो मैं बता दूं कि जब जन्मदिन होता है तो लाखों की, करोड़ों की संख्या में लोग रोड पर निकलते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से उत्साह का दिन होता है, खुशी का दिन होता है, बाबा साहब पैदा हुए थे। आज क्या है कि आज के दिन बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहते, तो आज कहीं ना कहीं गम भी है कि बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे, दुख का विषय भी है। आज के दिन ज़्यादातर लोग घरों में रहते हैं और चैत्य पूजा, जिसको हमारे यहाँ बौद्ध धम्म कहते हैं, जो हमारे यहाँ बौद्ध भिक्षुओं की जो समाधि हुआ करती, समाधि कहिए उसको या कुछ भी कहिए, उनको, उनकी पूजा जैसे होती है, तो आज के दिन बाबा साहब को याद करते हुए अपने बीवी बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में, बाबा साहब की स्टेचू के सामने 2 मोमबत्ती लगा करके उनको नमन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में कम से कम उनको याद करना चाहिए। बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए किसी भी पुस्तक के 2-3-4 पेज जरूर पढ़ने चाहिए। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराना चाहिए, बुद्ध के 5 सील को दोहराना चाहिए, ताकि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था उसको साकार किया जा सके। आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के बात चल रहे, मगर वो तो विवादित हो चुकी है ना। देखिए, विवादित तो टोटल पूरे का पूरा अम्बेडकरवादी मनुवादियों की नज़र में विवाद है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दूसरा नाम मनुवादियों की नज़र में विवाद है। आज जिस दौर से मुल्क गुजर रहा है और जिस दौर में हम लोग खड़े हैं, जिस दौर में संविधान को जला दिया जाता हो, डॉक्टर अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगते हों, संविधान मुर्दाबाद के नारे लगते हों, आरक्षण मुर्दाबाद के नारे लगते हों, जिस दौर में कबीर को नकारा जाता हो, रैदास को नकारा जाता हो, फूले साहू जी महाराज को नकारा जाता हो, बुद्ध को नकारा जाता हो, डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियाँ तोड़ दी जाती हों, उस दौर में अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा विवादित हो जाती है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं और इस पर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। अगर जिन लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं से दिक्कत है, जिन लोगों को बाबा साहब की मूवमेंट से दिक्कत है, जिन लोगों को बाबा साहब के विचारों से दिक्कत है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग जो भारत सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 40 से ज़्यादा किताबें छाप करके बेच रही है उनको बंद कर दें। जो हिंदी और इंग्लिश में बाबा साहब के वॉल्यूम्स हैं, जो राइटिंग एंड स्पीचेस हैं, उनको छाप के बेचना बंद कर दे। वो ऐसा कर नहीं सकती है, लेकिन ये सरकार की गोद में या सरकार के इशारे पर कुछ टटपूंजिया लोग जो घूम रहे हैं, ये अनपढ़ और कूपड़ लोगों की एक जमात तैयार हो गई है मुल्क भर में, ये कहीं ना कहीं लोगों को ये बरगलाने की कोशिश करती है। कई बार वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हिंदू बताने की कोशिश करते हैं,
कई बार वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि बुद्ध को कहते हैं वो तो विष्णु का नौवा अवतार थे, लेकिन जब कोई बस नहीं चलता है, जब बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं आड़े आ जाती हैं, तो बहुत सारे तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बाबा साहब की प्रतिज्ञा नहीं है, इनका बौद्ध हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो इस देश के अंदर चल वही रहा है, सरकार अपने इशारे पर तमाम चीज़ें करना चाहती है, लेकिन वैसा होगा नहीं। इस देश के अम्बेडकरवादी जीवित हैं, जब तक इस देश के अंदर सिंगल अम्बेडकरवादी भी जिंदा रहेगा, तब तक इस मुल्क के अंदर फूले अम्बेडकरी आंदोलन को फैलने से, उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये इस मुल्क की सच्चाई है, और इस सच्चाई को इस देश के तमाम जो मनुवादी लोग हैं, गैर समानतावादी लोग हैं, गैर संविधानवादी लोग हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को जितना जल्दी हो सके इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। आज आप पार्लियामेंट गए थे, कितनी तादाद में लोग, क्या लाखों की तादाद में वहाँ पर लोग थे, या उन्हें आने नहीं दिया? देखिए, मैं ये कहूँगा कि पार्लियामेंट में सुबह गया था, हालांकि मैं 4 साल 5 साल बैन रहा, रात को भी 10:45 मेल आई कि आप आ सकते हैं। हम लोग क्यों बैन थे क्यों नहीं थे तो बात की बात है, लेकिन मैं 4 साल के बाद पार्लियामेंट गया, लोगों में उत्साह है, लोगों में डर भी है कहीं ना कहीं। लोग जिस प्रकार से वर्तमान समय में हमारे सरकारी अफसरों को डराया जा रहा है, प्रोफेसर्स को डराया जा रहा है, और जिस प्रकार प्रोफेसर ऋतु पिछले 100 दिन से अधिक समय से रोड पर न्याय की मांग के लिए बैठी है, कल परसों जो है वो लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाल दिया है, रतन लाल जी का प्रमोशन रोका जा रहा है, तमाम चीज़ें हैं, सरकारी अफसरों को नोटिस थमाया जा रहा है, उनकी सीआर खराब की जा रही है, ऐसे में लोग डरे हुए हैं, धंधे नहीं है, फिर भी लोग आ रहे हैं, बढ़ चढ़ करके आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं उनका धन्यवाद है। संसद भवन में कितने लोग पहुँचे, कितने लोग बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुँचे, ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर कितने लोग चल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि उस दिशा में, उस दौर में, जिस दौर में सरकार अम्बेडकरवादियों को कुचल देना चाहती हो, जिस दौर में फूलेवादियों को, रैदासवादियों को, नानकपंथियों को, बुद्धवादियों को सरकार कुचल देना चाहती हो, उस दौर में भी लोग निर्भीकता के साथ पे साथ में खड़े होकर के चौक चौराहों पर बाबा साहब की पुण्यतिथि मना रहे हैं, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, संविधान दिवस मना रहे हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है, लोग आँख में आँख डाल करके मनुवादियों के, और खास तौर से जो लोग सरकार में बैठे उन लोगों की आँख में आँख डाल करके सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, डर नहीं रहे, और वो निर्भीकता के साथ में बाबा साहब की जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार से रिजल्ट आया, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हालांकि ये आज का 6 दिसंबर है, उसका 5 स्टेट के चुनावों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने सवाल करा तो मैं जवाब देता हूँ। 5 स्टेटों का जो चुनाव है वो हमको पहले से पता था ये होना है, कांग्रेस हवा में थी, बसपा ने चुनाव को सीरियस नहीं लिया, बीजेपी का पन्ना प्रमुख भी पूरी अटेंशन भूमिका में था, बीजेपी वर्तमान समय में चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है, उसका प्रत्येक कार्यकर्ता, उसका सिस्टम उस काम में लगा हुआ है, और वो इसीलिए चुनाव जीत करके आ रहे हैं। और मैंने पहले भी, कल भी कई चैनल डिबेट्स में कहा था, आज भी कह रहा हूं कि जो लोग राहुल गांधी अगर इंडिया गठबंधन बनाते हैं और ये कहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, तो ये भी समझ लेना चाहिए कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए, तमाम लोगों को साथ में लेकर के चलना चाहिए। मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ में देश में आरएसएस और बीजेपी रूल कर रही है, उसके बाद भी वो 35-40 पार्टियों को लेकर के 2024 के चुनाव में जा रहे हैं, और राहुल गांधी अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सपा बसपा और क्या नाम है निर्दलीयों को नहीं साध सकते, 3-4 पार्टियों को नहीं साध सकते, तो फिर कैसे उम्मीद की जा सकती है कि आपका इंडिया गठबंधन 2024 में सफल होगा? राजस्थान से वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुसलमानों की दुकानों को बंद किया जा रहा है, मंत्री जीतते हुए कह रहा है। देखिए, ये इस प्रकार के काम होंगे, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, इसी मुल्क के अंदर मुसलमानों की जो है वो दाढ़ी पकड़ करके जय श्री राम के नारे बुलवाए गए, इसी मुल्क के अंदर जब योगी जी की सरकार बनी तो मुसलमानों की जो दुकानें थीं उनको बंद करवाया गया, जो गोश्त की दुकानें थीं, तो ये हमेशा से होता रहा। जब जो आदमी जितनी ताकत में रहता है वो उसका ताकत का उपयोग और दुरुपयोग दोनों करता है। क्या लग रहा है राहुल जी, अभी जो जब आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें आप लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, इसमें आपका मानना? देखिए, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं फूले अम्बेडकरी आंदोलन को घर घर तक पहुँचाऊँ, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। जिन लोगों को राजनीति करनी है, जो लोग जिनको MP MLA बनना है, जिनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना है, वो ईवीएम पर सवाल खड़े करे, वो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करे, मुझे नहीं बनना, मैं मुझे ईवीएम से कोई मतलब नहीं है। बहुजन नेता इकट्ठा नहीं हो रहा है, इस तरह हमारे लोग कमजोर लोग, गरीब लोग पिट रहे हैं, समाज पिट रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मेरे कहने से बहुजन नेता तो इकट्ठे होंगे नहीं, हर आदमी को राष्ट्रपति बनना है, हर आदमी को प्रधानमंत्री बनना है, हर आदमी को राष्ट्राध्यक्ष बनना है, जब तक इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके एक कॉमन एजेंडा बना करके सब लोग एक साथ नहीं आएंगे, इन नेताओं के चक्कर में समाज भी पिटा को समाज पिट रहा है। और मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि ये जो एक लाइन हम लोग मन मस्तिष्क में लिख दिए कि हुक्मरान बनना है, ये हुक्मरान बनने की जिद छोड़ दो,
जो सत्ता सर देश में रूल कर रही है उसके साथ बैठ करके टेबल पर बात करो, उससे कहो कि इस देश के अंदर 25% हमारी हिस्सेदारी है दलित समाज की, इस देश के बजट में 25% हमारा हिस्सा है, हमारा बजट हमारे हिसाब से खर्च करो, उसके साथ बैठ करके एजेंडा सेट करो। जब हुक्मरान बनोगे, जब MP MLA बनोगे, जब मुख्यमंत्री बनोगे, तब बन जाना भाई। फिलहाल जिस दौर में मुल्क गुजर रहा है उस दौर में फूले अम्बेडकर आंदोलन को बचा लो, बाबा साहब का जो विचार है उसको बचा लो और अपने आने वाली नस्लों को बचा लो, अन्यथा वर्तमान समय में जो सरकार रूल कर रही है वो कुचल देगी, किसी को छोड़ेगी नहीं। क्या लगता है जिस प्रकार से बीजेपी जीत रही है और राजस्थान में मध्य प्रदेश में दलित समाज पिट रहा है, क्या लगता है कि जो समाज है गरीब समाज है उसको अब शिक्षा से अपनी अपने सामाजिक संगठन मजबूत करिए। मैं सबसे कहता हूँ दलित समाज खास तौर से अपने सामाजिक संगठन मजबूत करें, भाईचारा मजबूती के साथ में बनाए, दूसरों से झगड़े से बचे, संवैधानिक जो उसके राइट्स हैं उनको बचाने के लिए आंदोलन करें, और जो भी मुख्यमंत्री MLA MP बन का चुनाव लड़ने के बाद के लिए आपके वोट मांगने के लिए आए, अपने संगठन के बैनर तल उससे कहिए ये हमारी मांगे हैं कि आप जीतेंगे तो इन पर काम करेंगे या नहीं करेंगे। बड़े नेताओं का पीछा और उनसे उम्मीदें दोनों छोड़ दीजिए, वो अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने में मस्त हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद।